नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मौत के बाद शव को दफनाने और जलाने के पीछे के रहस्य के बारे में। तो वीडियो पूरे अंत तक जरूर देखना। तो चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। शरीर को दफन करने के पीछे के कई कारण बताए गए हैं। हिंदुओं में शव को जलाने की प्रथा है, क्योंकि हिंदुओं में अग्नि को देवता माना जाता है। दुनिया का परम सत्य मौत है। जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। इंसान के मर जाने के बाद धर्म के अनुसार उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। जैसा कि हम जानते हैं, मृत्यु के बाद कोई शव को जला देता है तो कोई उन्हें दफना देता है। वही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शव को जीवों द्वारा खाने के लिए भी छोड़ देते हैं। अगर हम प्राचीन इजिप्ट की सभ्यता की बात करें तो वो शव की मम्मी बनकर उसे एक संदूक में बन कर दफना देते थे। ऐसा वो इसलिए करते थे क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि शरीर त्यागने के बाद आत्मा इधर उधर भटकती रहती थी। ऐसे में वो उसके रहने के लिए एक निश्चित स्थान का बंदोबस्त करते थे। प्राचीन इजिप्ट में शव के साथ साथ कुछ जरूरी चीज़ों को भी उसके साथ साथ दफना देने की प्रथा का चलन था। इनमें से उनकी मनपसंद चीज़ें, जरूरी वस्तुओं और तो उनके नौकरों को भी दफना दिया जाता था, क्योंकि ऐसा मानना था कि जब आत्मा किसी दूसरे शरीर में पुनर्जन्म लेगी तब वो इन सारी वस्तुओं का इस्तेमाल कर सकेगी। इजिप्ट के बाद यूनानी और रोमन सभ्यताओं का दौर आया। वे शरीर को दफनाने की जगह उसे जलाने की प्रथा का पालन करने लगे। हालांकि बाद में इस्लाम ने शव को जलाने की प्रथा का बहिष्कार किया। शरीर को दफन करने के पीछे के कई कारण बताए गए। सबसे पहले इसे विदाई देने का सबसे साफ और सुरक्षित तरीका बताया गया है, क्योंकि मरने के बाद बॉडी को दफनाने से वो धीरे धीरे से मिट्टी में मिलकर प्राकृतिक रूप से खत्म हो जाता है। इससे वातावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, किसी प्रकार का कोई प्रदूषण भी नहीं फैलता है। हिंदुओं में शव को जलाने की प्रथा है, क्योंकि हिंदुओं में अग्नि को देवता माना जाता है। इसलिए पूजा, यज्ञ, हवन, शादी इत्यादि सभी पवित्र कार्यों में अग्नि को बेहद महत्व दिया जाता है। हिंदू धर्म में शव को जलाते समय अग्निदेव से इस बात की प्रार्थना की जाती है कि अग्निदेव शरीर के पांच अहम तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को अपने में ग्रहण कर ले और उन्हें एक नया जीवन प्रदान करे। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, मौत के बाद शव को दफनाने और जलाने के पीछे के रहस्य तथ्य। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और ऐसे अमेजिंग फैक्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।